गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने यहाँ ले गए आए हैं एमपीटेट, जिसको पीएबी विज्ञापन ने 17,000 संविदा वर्ग ए के लिए विज्ञापन निकाला है। और इस सब्जेक्ट में हम इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 17,000 पोस्ट जो हाई स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए पीबी ने निकाला है एमपीटेट के माध्यम से, वहाँ पर सिलेक्शन करेगी, संविदा वर्ग 1 पे है। और 17,000 में इंग्लिश की कम से कम लगभग 1,500 से 2,000 सीटें मिलेंगी, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको एक रिप्यूटेड जॉब पाने की। एमपीटेट या इसे यूँ कहा जाए कि पीजीटी की इक्वल है, पीजीटी के ही नाम है, वर्ग एक कर दिया गया है। और यहाँ पे हम इंग्लिश टीचर की जो एमपीटेट के माध्यम से 9वीं 10वीं में नियुक्त होंगे उनके सिलेबस की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि पीवी ने एमपीटेट में क्या क्या कुछ रखा है हमारे नए सिलेबस के लिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञापन इन्होंने निकाल दिया है, 11 तारीख से यह विज्ञापन शुरू हो गया है और 25 तारीख तक लास्ट डेट है। और 500 रुपये फीस रखी गई है, तो आप लोग बिना विलंब किए इसे फुलफिल कर दें, और जिससे कि विलंब ना हो और आप लोग परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाएं। और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि यह मैंने विज्ञापन डाला हुआ है, और इस विज्ञापन के लिंक मैं आपको अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, जहां से आप इसका पूरा पीडीएफ फाइल पढ़ सकते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। मैं आपको योग्यता बता देना चाहता हूं कि इसकी जो योग्यता है पीजी प्लस बीएड है, आपको पीजी में सेकेंड डिवीज़न प्लस बीएड रहना चाहिए। और यह पेपर भी निर्धारित हो गया है कि 29 दिसंबर को इसका पेपर लिया जाएगा। और जैसा कि पीवी है, यह एग्ज़ाम किसी भी हालत में चुनाव के पहले या आचार संहिता लागू होने से पहले करा लेना चाहता है, क्योंकि एमपी में चुनाव होने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आइए हम इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि हम इंग्लिश सिलेबस पर देखें तो इंग्लिश सिलेबस वर्ग ए के लिए पीवी ने सिलेबस बनाया है। सिलेबस बहुत ही आसान है। पहले पार्ट में इन्होंने ग्रामर रखा हुआ है, तो ग्रामर बेसिकली ग्रामर में क्या क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और वर्ब, मॉडल, एडवर्ब, टेंस, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लॉज, डिटरमाइनर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नंबर, जेंडर एंड प्रोनाउन, यानी पूरा पार्ट ऑफ स्पीच इन्होंने रख दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक्टिव टू पैसिव और नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया है। अब उसी में पार्ट वन में चौथे में रखे हैं वोकेबुलरी, अपोजिट, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछे सकते हैं। और सेक्शन बी में आपको जैन एस्टिन की नोबेल प्राइज एंड प्रिजिट्स पढ़ने को मिलेगी, और जिसमें प्राइज एंड प्रिजिट्स अधिकतर लोगों ने अपने बी ए के सिलेबस में पढ़ा होगा। और चार्ल्स डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज़ काफ़ी अच्छी नॉवेल है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और अनीता देसाई की बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये भी काफ़ी अपने समय बेस्ट सेलर नॉवेल रही, इसको फिक्शन वर्क में हम स्टडी करेंगे। और आगे देखिए चौथे में कुशवंत सिंह की ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, बेसिकली ये फिक्शन में रखा गया है, यह छोटी सी कहानी है, फिक्शन वर्क है, 3-4 पेज की, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ड्रामा में देखते हैं क्या क्या इन्होंने रखा है। ड्रामा में इन्होंने बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड मैन, मार्बलस, गजब, बहुत अच्छा कहा इन्होंने ड्रामा रखा हुआ। विलियम शेक्सपियर की टेम्पेस्ट और हेमलेट, और यह तो मास्टरपीस ही शेक्सपियर करीब करीब इन्होंने रख दिया, हेमलेट को मास्टरपीस माना जाता है ट्रेजेडी के, तो पता ही है। और इंडिया राइटिंग में देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि का टू वर्सिप पोएम है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दिए। पोइट्री में देखिए पी वी शैली की ओ टू स्काइलर, और सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स, रविन्द्रनाथ टैगोर की सॉन्ग नंबर 1 द गीतांजलि। और वर्ड्सवर्थ को देखिए, यहाँ इनकी मिस्टेक कर दी है इन्होंने विज्ञापन में, वर्ड्सवर्थ की आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड डैफोडिल है, पोयम उन्हीं की पोयम है। और वर्ड्सवर्थ के नीचे फिर एक बार इन्होंने उनको यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन लिखे नहीं है, देखिए कौन कौन पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच वर्थ अस टेबल टर्न्स द सोलिटरी रीपर, इनकी सब अच्छी पोएम ही रखी गई हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के देखिए, आफ्टर एप्पल पिकिंग द रोड नॉट टू टेकिंग
स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग काफ़ी गजब पोएम है। इसी पोएम से पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी इंप्रेस थे, वो रखी गई है, काफ़ी अच्छी पोएम है। चलिए आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग द लास्ट राइड टुगेदर, इस पोएम को भी इन्होंने इसमें रखा है, जो अपने रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने वाइफ के साथ एक आखिरी राइड पर जाना चाहते हैं, उस पोएम को रखा है। अब देखिए प्रोज वर्क में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है। बेसिकली जैसा कि हमें उम्मीद थी, फ्रांसिस बैकन इन्होंने इंक्लूड किया, चार्ल्स लैम्ब्यूट किया, फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंड, और विलियम हेजलिट का फादर लेटर्स, ए फादर्स लेटर भी छोटा चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, और चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रेंस एक इनकी मास्टरपीस है एसियोफिलिया का, उसमें इन्होंने इस हिस्से को लिखा है। इंडियन में जवाहरलाल नेहरू की टीनेजेस और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने में एक हेरिटेज है इसको, या नीरज सिंह चौधरी का माई मदर को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। अब फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री भी इन्होंने डाला हुआ है। फिगर स्पीच में इन्होंने पांच ही फिगर स्पीच दिए, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड पैराडॉक्स एंड आयरनी, ये चार पांच फिगर स्पीच हैं जिस क्वेश्चन बनेंगे। फॉर्म ऑफ पोएट्री में सोनेट और लिरिक, एलजी एंड सटायर, ऐसा तो बेसिकली आप लोग पता ही होगा, सोनेट पोएट्री और एलिज सटायर में। इंडियन राइटिंग ऑफ इंग्लिश में इन्होंने आर के नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स दिए गए हैं, जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात की है, जिसमें सेमू रहता है, स्वामीनाथन रहता है, उसकी कहानी है द गाइड। द गाइड भी काफ़ी अच्छी इनकी नॉवेल है, इसमें भी इन्होंने एक प्रेम को दिखाए हैं। इन्होंने चार पाँच करेक्टर हैं इसमें भी, इसको आप देख लीजिएगा, मिस रोजी रहती हैं इसमें। मुल्कराज आनंद की एक छोटा प्रोज वर्क है, शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, उसको इन्होंने इंक्लूड किया है, इसको भी हम लोग पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। यह हमारे इंग्लिश एमपीटेट का सिलेबस है। एमपीटेट में इंग्लिश सिलेबस की कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और ओनली वही लड़के जुड़ें जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के ही प्रिपरेशन कराएंगे, जो चैप्टर बाय चैप्टर होगी। और आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।